जो अपने मातृभूमि को पाकिस्तान की संज्ञा दे दिया और निर्लज लोग इस पर बोल रहे हैं, पहले अपने गिरिवान में जाके आपने माफी मांगी ढाका के लोगों से, धार्मिक इस्तीफा दिया कि दूसरे से मांगने चले हैं। अगर कोई गलत टिप्पणी करता है तो उस पर तो इस्तीफा के मांग करना नहीं, ढाका के ढाका को पाकिस्तान बना दिए तो बहुत सही आप कहे थे। आप लोग माफी की बात करते हैं लेकिन जब वही सांसद ढाका में पहुंची तो आप लोग उस समय विरोध नहीं किए। माफी के चैनल पर बोले थे कि 31 मार्च पूर्व से पश्चिम सूरज हो जाएगा लेकिन 31 मार्च तक फुलवरिया घाट बनकर तैयार हो जाएगा। क्या हुआ न महाविद्यालय की आप मांग की है कभी, न यहाँ बस पड़ाव के लिए उचित व्यवस्था की मांग की है, न यहाँ सरकारी जो बाजार होनी चाहिए उसकी मांग की है। जाम की समस्या है ढाका में, घोड़ासान में, ढाका के युवा और छात्र भीख नहीं मांग रहा है। ढाका को अधिकार है महाविद्यालय, आपको महाविद्यालय देना होगा। इस मुद्दा को लेकर के हम लोग पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, जरूरत होगी तो जिला मुख्यालय पर बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, ढाका में भी आंदोलन करेंगे। और फिर ये नेता लोग अगर नहीं मानेगा ना और ये अधिकारी लोग, तो इनका चलना मुश्किल कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज, मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के एक ऐसे छात्र नेता जो पिछले कई वर्षों से लगातार अपने संघर्ष के बलबूते पे एक अलग पहचान भी बनाई है। पप्पू यादव के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं आकाश कुमार सिंह, और लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं छात्र हित में। आज कई मुद्दों पे हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, खास करके ढाका विधानसभा में एक स्लोगन काफ़ी तेजी से ट्रेंड कर रहा है, ढाका मांगे महाविद्यालय। इन सभी मुद्दों पे आज हम आकाश कुमार सिंह से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आकाश कुमार सिंह इन सभी मुद्दों पर इनका क्या कुछ कहना है। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आकाश जी, आप लगातार छात्रों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आप भी ढाका विधानसभा के ही निवासी हैं, और ढाका विधानसभा के कुछ छात्र लगातार अब सोशल मीडिया के माध्यम से मांग कर रहे हैं और आवाज़ को उठा रहे हैं कि आखिर ढाका मांगे महाविद्यालय, इसको लेकर आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से ढाका को महाविद्यालय मिलनी चाहिए। ढाका अनुमंडल में एकमात्र महाविद्यालय है घोड़ासहन, ढाका में भी एक महाविद्यालय हो, चूँकि ढाका और इसके अगल बगल के क्षेत्र के बच्चों को जो घोड़ासहन या अन्य जगहों पर पढ़ने जाना होता है उनको ढाका में उनको डिग्री की जो शिक्षा है वो मिले, हम उनकी मांगों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। और यहाँ के स्थानीय विधायक से हम मांग करते हैं और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से कि ढाका को ढाका में महाविद्यालय निर्माण के लिए वो मजबूती से पहल करें सरकार के समक्ष। अब यहाँ का विधायक क्या करता है कि बेतुका मुद्दा उठाएगा विधानसभा में, और जो मुद्दे की बात होगी, यहाँ के छात्रों की बात होगी, युवाओं की बात होगी, उसको उठाएगा नहीं। जब यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवा और छात्र जागरूक होता है, अपने हक और अधिकार की मांग कर रहा है, वो किसी से भीख नहीं मांग रहा है। ढाका का अधिकार है, ढाका को महाविद्यालय मिलना चाहिए, वह भीख नहीं मांग रहा है ढाका का छात्र युवा। हम लोग पूरी तरीके से पूरी मजबूती से उनके इस लड़ाई में साथ है, हम लोग जरूरत होगी तो इसके लिए बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाएंगे, बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। और मेरा अधिकार है, ढाका के छात्र युवाओं के अधिकार है, उसको लेकर रहेंगे। ढाका का अधिकार है, ढाका के युवा और छात्र भीख नहीं मांग रहा है, ढाका को अधिकार है महाविद्यालय, आपको महाविद्यालय देना होगा। आप नहीं दीजिएगा तो ढाका का छात्र और युवा, जन अधिकार पार्टी के छात्र और युवा, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अधिकार छीनना भी जानते हैं, जो जनता की छात्रों की जो अधिकार होती है उसको हम लोग छीन कर भी लाएंगे और ढाका में महाविद्यालय। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी के जो भी नेता है या स्वयं पूर्व सांसद पप्पू यादव सिर्फ यूं ही बयानबाजी करते हैं, उनके बयान का कोई असर नहीं होता है। अब बयान का असर नहीं होता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में PhD ना मानकर हुआ कि नहीं, रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ, रिजल्ट में सुधार हुआ कि नहीं हुआ, तो अब उनके जैसे तो उन लोग को तो कुछ बचा नहीं है। अब वो लोग हिंदू मुस्लिम करेगा, बेतुका बात करेगा, जब बच्चे अधिकार की बात करेंगे, जब यहाँ के जब मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा तब 10 गो लचल लुचा लफंगा से गाली लिखवाएगा, जब यहाँ के अधिकार की मांग होगा, शैक्षणिक व्यवस्था के लिए होगी, यहाँ के महाविद्यालय की मांग होगी, तब 10 गो वही लुचा लफंगा अकबक लिखेगा। अरे भक्त बनिए, भक्त बनिए, लेकिन अंधभक्त मत बनिए, आपके भी भाई है, भविष्य में आपके बाल बच्चे होंगे, उनकी शिक्षा के लिए बात हो रही है, उनकी बेहतर शिक्षा होगी, उनको घर से दूर नहीं जाना होगा। जो गरीब बच्चे हैं वह दिल्ली या अन्य जगह पर कैसे जाकर रह के अपनी पढ़ाई करेंगे? बड़ी बात कहा कि बेतुका बात सोशल मीडिया के माध्यम से लिखते, कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हमें महाविद्यालय नहीं चाहिए, आखिर ऐसे लोगों को आप क्या कुछ कहेंगे? ऐसे लोगों को कहेंगे कि भगवान उन लोग को सद्बुद्धि दे और वो अपने फ्यूचर को देखे कि आने वाले समय में उनके बाल बच्चे या जो उनके अगल बगल के गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होती है कि उसके बच्चे बाहर नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए अगर ढाका में महाविद्यालय खुल जाएगी तो यहाँ रहकर अपने घर पर बच्चे अपने शिक्षा को प्राप्त करेंगे और उनकी जो प्रयास होगी, जो मुकाम होगी, जो लक्ष्य होगी, उसको पूरा करने में ढाका में अगर महाविद्यालय स्थापित हो जाएगी तो निर्णायक भूमिका निभाएगी। अच्छा, इससे पहले भी तो आप लोग बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किया, धरना पर भी बैठे आप लोग, आपके पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भी ढाका में आते ढाका पाकिस्तान वाले बयान पे, लेकिन कुछ लोगों का कहना कि कहाँ कुछ हुआ।
देखिए हमारा काम है आवाज़ लगाना। अब इस निर्लज लोगों को क्या कहिएगा, ये तो सांसद और विधायक दोनों निर्लज है। रामचरितमानस पे जो शिक्षा मंत्री बयान दिया हुआ एकदम निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन ये निर्लज लोग को उस पर बोलने का कौन सा अधिकार है, पहले अपने की जुबान में झांक भाई। एक किसी धार्मिक ग्रंथ को लेकर के बयान दिया गया गलत, मैं भी कह रहा हूँ कि वो गलत है, इसके लिए शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये निर्लज लोग जो अपने मातृभूमि को पाकिस्तान की संज्ञा दे दिया और निर्लज लोग इस पर बोल रहे हैं, पहले अपने गिरिवान में झाके आपने माफी मांगी ढाका के लोगों से, धार्मिक इस्तीफा दिया कि दूसरे से मांगने चले हैं। अगर कोई गलत टिप्पणी करता है तो उस पर तो इस्तीफा के मांग करना जायज है। ढाका के ढाका को पाकिस्तान बना दिए तो बहुत सही आप कहे थे। अच्छा वो लोग विरोध कर रहे थे, गलत कर रहे, एकदम गलत कर रहे हैं। वो ढाका के लोगों से माफी मांगी, धार्मिक ग्रंथ के ऊपर एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था, कैसे गलत कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ के साथ और अमर्यादित भाषा का प्रयोग, उसके लिए शिक्षा मंत्री को माफी मांग ली। लेकिन जो लोग यहाँ के विधायक और सांसद बोल रहे हैं, इन लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। ये लोग लगातार अपने क्षेत्र के लोगों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, अपने क्षेत्र के नाम के साथ खिलवाड़ किया। इन लोगों को किसी सूरत में इन सभी चीज़ों को नहीं मांगना।